वो जोधपुर के एक कश्मीरी परिवार में पैदा हुए थे। 25 दिसंबर 1944, होश संभालने पर उन्होंने अपने परिवार में सिविल सर्वेंट्स ही देखे थे। रविंद्रनाथ कौल उनका असली नाम था और उन्हें कुछ क्रिएटिव करना था। पूना के फिल्म इंस्टीट्यूट में उन्हें ऋत्विक घटक जैसे गुरु का साथ मिला। ऋत्विक घटक कहा करते थे कि मणिकौल के दिमाग में पेंच है। मणिकौल ने फिल्मों की एक प्रयोगवादी धारा का सूत्रपात किया। ऋत्विक घटक जो फिल्में बनाते थे उनका विषय भले ही इमोशनल हो लेकिन उसको ट्रीट करने का, पेश करने का तरीका इमोशनल नहीं था। वो कैमरा, साउंड, एडिटिंग और सिनेमा के अन्य तत्वों का डायलेक्टिकल एनालिटिकल प्रयोग किया करते थे, इमोशनल नहीं। और यही बात उनके छात्र मणिकौल में दिखाई देती है। मणिकौल ने अपने करीब 45 साल के फिल्म जीवन में 25 डॉक्यूमेंट्री और फीचर फिल्में बनाई। वो कहा करते थे कि उनकी फीचर और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के बीच एक बेहद महीन रेखा है। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसे ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो आया था। मैंने घाटी में एक आहतहरण शावक को देखा था और उठाकर यहां ले आया था। मणिकौल की फिल्में परत दर परत आस्वाद समेटे होती हैं और एक दर्शक के रूप में हमसे अधिक भागीदारी की मांग करती हैं। मैं 40 था, वो 17, यही इसके दिमाग में था। चीजें बेचने आती थी अपने लिए पैसा जुटाने, तब सब शुरू हुआ। वो तो पता नहीं, नफरत जरूर है। लड़कपन खुला होता है, संग नहीं सह पाता।